अशफाक अहमद एक वाकया बयान करते हैं कि एक दफ़ा लंदन के किसी पार्क में अपनी अहलिया के साथ तशरीफ फरमा थे कि चंद लोग आए सफ़ैद पगड़ी बांधे हुए तबलीगी दावत वाले। असर का वक़्त हो रहा था तो उन्होंने उस पार्क में जमात कराई और असर की नमाज पढ़ी। एक ब्रिटिश लड़की उन्हें टिकट की बांधे देख रही थी। जब उन लोगों ने नमाज ख़त्म की तो वो लड़की उनके पास गई और पूछा, जनाब आपको इंग्लिश आती है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ आती है। इंग्लिश लड़की ने पूछा, आप लोग ये क्या कर रहे थे? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इबादत कर रहे थे। लड़की ने अगला सवाल किया, पर आज तो इतवार नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं और दिन में 5 वक्त इसी तरह इबादत करते हैं। वो लड़की बहुत मुतासर हुई। उसने मजीद चंद बातें पूछी, फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि चलें आपसे काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। तो उनके जो अमीर जवाब दे रहे थे, उन्होंने उसे जवाब दिया, इस हाथ को मेरे हाथ छू नहीं सकते, मेरे हाथों को छूने की इजाज़त सिर्फ मेरी जौजा के लिए ही है। ये सुनकर उस इंग्लिश लड़की ने जोर की चीख मारी और बोली, कितनी खुश नसीब है तुम्हारी बीवी। फिर वो रोती जाती और साथ कहती भी जाती कि काश यूरोप का मर्द भी ऐसा हो जाए, और रोते हुए वो वहाँ से चली गई। इशफाक अहमद साहब बताते हैं कि फिर मैंने अपनी जौजा से कहा, आज बहुत बड़ी तबलीग हो गई, हज़ारों किताबें भी लिखी जाती तो ऐसा असर ना होता जो आज इस अमीर ने अपने अमल से कर दिखाया। उस मगरबी लड़की को अंदाज़ा था कि उसकी औकात महज एक टिश्यू पेपर की है, आज कोई इस्तेमाल कर ले और कल कोई उसे गर्ल फ्रेंड बनाकर इस्तेमाल कर ले। औरत को इज्जत तो सिर्फ इस्लामी मुआशरा ही देता है।